Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ी बोर्ड स्पॉन्सर्ड बाय सबकॉम कंप्यूटर्स। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल से जुड़ी एक बड़ी समस्या के बारे में, न्यूड और डीप फेक वीडियोस की। आगे बढ़ते हुए समय में इन तकनीकों के इस्तेमाल से जुड़ी चुनौतियों और उनका समाधान बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है न्यूड और डीप फेक वीडियोस। एआई के इस्तेमाल से आजकल असलियत को मैनिपुलेट करके बनाई गई न्यूड और डीप फेक वीडियोस की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन वीडियोस को बनाने के लिए एआई एल्गोरिदम्स और डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है, जो किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरी व्यक्ति के चेहरे से बदल सकता है। इससे प्राइवेसी और आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर दूसरा है अनड्रेसिंग एप्स और उनके काम करने का तरीका। दरअसल अनड्रेसिंग एप्स आमतौर पर एआई और कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप इमेजेस को स्कैन करके विक्टिम की बॉडी को मैनिपुलेट कर देते हैं और कपड़े हटाकर नंगी तस्वीरें बना देते हैं। ये ऐप्स गलत और अनएथिकल होते हैं और किसी भी तस्वीर को इस तरह से इस्तेमाल करना कानूनी रूप से भी गलत है। फिर तीसरा है डीप फेक बनाने का खतरा और उसका समाधान। अगर आपका डीप फेक वीडियो बना लिया गया है तो पहले अपने परिवार और अथॉरिटीज को इस बारे में तुरंत इन्फॉर्म कर दें। इस समस्या को हल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और लीगल अथॉरिटीज से मदद लेनी चाहिए। भारत सरकार ने सेक्शन 66E के अंतर्गत डीप फेक बनाने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया है। इन चैलेंजेस को निपटाने के लिए हमें साथ मिलकर सही अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी और कानूनी कदम उठाने की जरूरत है। ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी खतरा है। इसलिए समाज को जागरूक करना और कड़ी कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ी बोर्ड। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ी बोर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ी बोर्ड ऐप।